नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। लोकसभा चुनाव में नीमच मंसूर जावरा संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन आज नीमच पहुंची, जहां गांधी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात सबके सामने रखी। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई। सभी ने मिलकर एकजुट होकर नीमच मंसूर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को विजय दिलाने की बात कही। देखिए मीडिया के सवालों पर क्या बोली कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन। पहले तो मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय दीपक बाबरिया जी का आभार व्यक्त करती हूँ और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की भी बहुत आभारी हूँ। उन्हीं के कारण शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया और उन्हीं के बलबूते पर हम इस चुनौती के लिए वापस उठकर खड़े हुए हैं। ये तो सही है कि हमारे आशाओं के विपरीत हम लोगों को विधानसभा चुनाव में जिस सफलता की उम्मीद थी वो हमें नहीं मिल सकी और उस बात को लेकर के कई प्रकार से मंथन हुए हैं और अब कहीं ना कहीं उस मंथन के ही कारण हम लोगों ने हमारी कमियों को अच्छी तरह से परखा देखा है और उन कमियों को दूर करने के लिए हम सब लोग अब लग गए हैं। हमारे पास जो समय है उसका पूरा सदुपयोग होगा और उन कमियों पर काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केंद्र की कौन सी ऐसी विफलताएं हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? केंद्र की जो बातें हम लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने दो या तीन बातें कही थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे और हम सब जानते हैं कि आज ये स्थिति है कि उस जो उनका वायदा था उसका 1/100 हिस्सा भी पूरा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज उन्होंने किसानों को सम्मान राशि के नाम पर साल के 6,000 रुपये यानी एक दिन के 17 रुपये, जो कि सोयाबीन की कटाई करने वाले मजदूर को भी 300-400 रुपये मिलते हैं, वो दे करके किसान का कौन सा सम्मान किया है वो हम सबके सामने है। ये देश के 15 उद्योगपतियों के लिए संचालित हो रहा है, तो सत्ता इस देश के लोगों की है। सत्ता को उन 15 उद्योगपतियों से छीनना और उसे वापस इस देश के 120 करोड़ लोगों को पहुंचाना, इस काम के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है कि गरीब व्यक्ति को, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपना खुद का पैसा बैंक से अपने खाते का निकालने के लिए लाइन में इस सरकार ने खड़ा कर दिया। GST में हमारे छोटे व्यापारी जिस तरह से परेशान आज हो रहे हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, 15 लाख रुपए खाते में जमा करेंगे, 15 पैसे भी आज तक किसी के खाते में जमा नहीं हुए। ये सारे वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको की लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। पुलवामा के घटनाक्रम के बारे में घुसखोर हुआ है और BJP का ये मानना है कि वो ऐसा घटनाक्रम है जिसमें कांग्रेस सबूत मांग रही है, आप इस पूरे मसले को? सबसे पहले तो पुलवामा के शहीदों को मैं शत शत नमन करती हूँ। आज सीमा में चौकसी करने वाले हमारे जवान हमारे लिए अपनी जान देते हैं, इसीलिए हम एक सुरक्षा के वातावरण में सांस ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर वो व्यक्ति जो इनसे सवाल करता है वो अब राष्ट्रद्रोही हो जाता है, वो अब हिंदू नहीं रह जाता, उसको उसके लिए इनसे प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। तो क्या अब इस देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से बात को रखने के लिए क्या हमको किसी तरह का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? जिस दिन हमला हुआ, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पूरी विपक्ष ने, पूरे देश ने सत्तारूढ़ दल का साथ दिया, जो कि हमारी परंपरा रही है। लेकिन सवाल तो उससे ज़्यादा बुनियादी है। सवाल यह है कि इतना RDX कैसे आया, सवाल यह है कि हमारे अपने जवानों को हमें खोना पड़ा, वो भी इतनी अल्प आयु में, कैसे इस तरह से हुआ, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की फेल्योर कैसे हुई। सवाल ये भी पैदा होता है कि आज हम सबके सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें जिन लोगों ने कहा था कि हम सर काट कर लाएंगे, हम तो उसके पक्ष के लोग कभी नहीं रहे कि किसी का भी सर अनावश्यक काटा जाए, लेकिन हमारे देश के जवानों का सर कटने दिया, इस बात का हमको बेहद अफसोस है क्योंकि हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, हम उस दल के लोग हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने, विश्व में इतिहास बहुत लोग रचते हैं, उन्होंने भूगोल की रचना की, एक बड़े
पैमाने पर एक नए राष्ट्र का निर्माण उनके प्रयासों की वजह से हुआ और लाखों सैनिकों का आत्मसमर्पण जिस दल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए किया उस पर किसी तरह के अन्य बातों का तोहमत लगाना बिल्कुल बनता नहीं। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सवाल, स्थानीय स्तर पर बड़ी जीत हुई थी सांसद सुधीर गुप्ता की 14 में, आपके पास स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं, क्या उनके प्रति लोगों की नाराजगी है, क्या ऐसे जिन्हें जो मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में जाएंगे? आज तो बहुत जल्दी होगा उस पर एकदम से प्रतिक्रिया करना, लेकिन मैं एक त्वरित प्रतिक्रिया ये जरूर करूंगी कि आज कहीं ना कहीं नीमच ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं और ये आप ही लोगों के माध्यम से और ज्यादा उजागर हुआ है और इस बात को हम लोग लोगों तक रखेंगे। मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में विश्वास नहीं रखती। आप सब जानते हैं कि मैंने राजनीति में हमेशा एक गरिमा को बनाए रखने में विश्वास रखा है, लेकिन अगर नीमच के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। 27% आरक्षण जो दिया गया है कमलनाथ सरकार द्वारा, उसके लिए आभार प्रदर्शन किया जा रहा है आपकी कार्यकर्ता और पार्टी द्वारा। ऐसी स्थिति में जब जबलपुर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लिया दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये चुनावी झुंझुना है और प्रलोभन दिया गया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही इस तरह की बातें की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 14% आरक्षण भी कांग्रेस ने दिया और 27% आरक्षण की जो मंशा है वो भी मध्य प्रदेश सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाया, मुझे भी इसकी जानकारी है, लेकिन कांग्रेस की जो चुनी हुई सरकार है उसकी मंशा स्पष्ट है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 50% से ज्यादा दे नहीं पाएंगे तो किस तरह से पॉसिबल है? सवाल ये पैदा होता है कि इसके विषय में देश भर में एक गंभीर चिंतन होना जरूरी है। आबादी में जिन जो सब लोगों का मिलाकर जिन जिन को आज आरक्षण मिल रहा है और उसमें उन गरीब लोगों की भी बात शामिल है जो कि प्रभुत्व संपन्न वर्ग से हैं, जो सवर्ण समाज से हैं, जिनके कुल को भी 10% आरक्षण देने की बात कहीं ना कहीं हुई है। ये सारी बातें संविधान के स्तर पर पुनः विवेचना की है और उस पर होनी चाहिए। माहौल देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो माहौल देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता भी बैठक में देखा एक तरीके से जिला अध्यक्ष जो मेन होते हैं उनके खिलाफ भी आक्रोश है और कई कई सोशल मीडिया पर भी कई तरह की पोस्टें चल रही है, तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी सबसे पहले आपको पार्टी को एकजुट करना। कोई आक्रोश नहीं है, छोटा मोटा मतभेद है और उस पर भी आज आपने देखा कि विराम लग चुका है। जब एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारा दल लोकतांत्रिक है और उसमें सब लोग अपनी अपनी वैचारिक जो असहमति है उसको व्यक्त करते ही रहे हैं, उसका उनको लोकतांत्रिक अधिकार है और आज सबके सामने ये तय कर लिया है कि हम लोग जो अब हमारे सामने चुनौती है, जो वैचारिक चुनौती है, उस वैचारिक चुनौती के आगे अब हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, सारे मतभेदों से ऊपर उठकर हम ये चला रहे थे आपके पार्टी अंदर नहीं थे, वो गांधी हॉल में थे मेरे साथ खड़े, उन्होंने मीडिया को बयान दिया उसमें खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इस कार्यप्रणाली के चलते हमें हार का सामना करना पड़ा। राजकुमार भाई की जो भी विचार रहे हो उसके बारे में हम लोग निश्चित तौर पर उनकी सारी बातों को देखते हुए ही हम लोगों ने ये तय किया कि अगर किसी के बीच भी कोई भी जेनुइन बात होगी तो उसको हम निर्णय करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। और अब ऐसी कोई बात सवाल किया कार्यकर्ताओं ने अहिंसा छोड़कर चुनाव लड़े तो क्या फैसला लेगी कार्यकर्ता मंच? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ, मेरा बिल्कुल अटूट और बिल्कुल बिना डिगाने वाला अड़ीग मत है कि हम अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर चुनाव लड़ेंगे। मैडम एक छोटा